हमारा सम्मान वापस दिलाओ, हमारा सम्मान वापस दिलाओ, हमारा सम्मान वापस दिलाओ, आशा एकता जिंदाबाद, आशा एकता। चलो छोड़ो, अच्छा एप्लीकेशन नहीं अभी है, पूरी एप्लीकेशन आप सारे लोग आशा हैं और इन्हीं के बीच की जो संगनी उन्हीं के द्वारा जो है उगाही कराई जाती है, ऐसा बता रहे हैं, यही बता रहे हैं। आपको पहचान रहे हैं, आपको आप जो है जिले के सबसे बड़े चिकित्सा के और आपकी बात सुनी जाएगी और आप जो भी लिखे गए जो डिलीवरी कागज़ हैं बोले इसका पेमेंट हमने कहे सर आज हमारे पास ना है, दो तीन दिन में ले लिए हमारे सर डिलीवरी से नाम का है, हमने कहे सर आप हमारी कमाई का 12,000 रुपया कोविड की वजह से साल काम करो, हमने 4,000 आप ले लेके संता पाल, अरे यार संता पाल हमसे ऊंची आवाज़ में बात मत करना, हमारा चरित्र बहुत खराब है सर जी, ऐसे हमारी वहाँ पकड़ के बाहर निकल दो, हमारे रूम से निकलो यहाँ से, 2 पैसे की आशा 2 टके की सर हमारे साथ बहुत भ्रष्टाचार करो जाहिर हो, सर हमने 2 साल की कोविड में ड्यूटी करी उसमें से 4,000 रुपया ले लोगो, 12,000 रहा 4,000 उसमें से ले लोगो, बीपीएम सर ने हमसे लो और बाकी जिसे दलालन से तहसील भाव जिसे प्रतिभा सिंह हैं आशा संगिनी एक जाकिर हैं सर हम नीलम हैं सर, हम 19 तारीख जब डिलीवरी लेके गए सर हमसे 200 रुपया मांगे, कही इन डिलीवरी के 200 रुपया दे सर, हमने कही 2-1 दिन में ले लियो, हम हमारो सर डिलीवरी पर से नाम काट दो सर, हमसे बोले अरे यार संतापाल हमारा चरित्र बहुत ख़राब है हमारे मुंह मत लगना सर, हमें धक्के मार के गेट से बाहर निकाल दिया। कहाँ आप लोग आई हैं और क्या आप सर? हम टोनरपुर ब्लॉक से आए हैं सर, सर हमने यहाँ ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, क्या मांग क्या है? मांग ये है सर कि हमारा पैसा वापस दिलाया जाए सर, और सर जितना हमारा मानदेय आता है उतना हमारा मानदेय आए सर, उसमें कटौती ना की जाए सर, सर 30% सर सब पे ले लेते हैं सर, डिलीवरी पे 100 रुपये जिस पर 600 रुपये जाते हैं 100 रुपये ले लेते हैं, बीपीएम शेखर गुप्ता सारे लोग लेते हैं जी। हमारी समस्या यह है कि हम 2 साल से ड्यूटी कर रहे हैं कोविड की, उसका 12,000 रुपये आया था, उसका 4,000 रुपये सभी बहनों से लिया गया, किसी से मतलब कि वहाँ पे दलाल द्वारा लिया गया, किसी से मतलब डायरेक्ट ही लिया गया है, यानी हर चीज पे कटौती हो रही है। डायरेक्ट किसने लिया? डायरेक्ट लिया है शेखर गुप्ता ने लिया है। कौन? वो है बीपीएम है, आशा संगिनी द्वारा किसी से लिया गया, किसी से लिया गया, दलाल द्वारा लिया गया, दलाल जो है उनका नाम जाकिर है, जाकिर है उनका नाम। इस बात के पैसे पैसे सर लेते हैं अगर हम ना मतलब हर कार्य पे पैसे लेते, कभी होम विजिट किया, कभी गर्भवती जो भी मतलब कि डिलीवरी ले गए शिल्पो हम लोग जमा करते हैं उसका भी पैसा ले लेते 100 रुपये एक पे। कहाँ आई हो, किससे शिकायत? जी शिकायत तो यहाँ हमने की है। आपकी साथी कह रही थी कुछ उल्टी सीधी बातें? नहीं हाँ वो तो है, मेरी बहन एक संतापाल है जो वो वहाँ गई डिलीवरी लेके, तो इन्होंने कहा कि मतलब कि हमारी वो सिल पे जमा कर लो, तो वो कहने लगे 200 रुपये इनसे मांगे, तो इन्होंने बताया कि मेरे पास 200 रुपये आज नहीं है कल ले लेना,
तो इन्होंने वो कहने लगे कि देखो संता पाल यार, हमारा चरित्र बहुत ख़राब है और देखो और हमारा चरित्र बहुत ख़राब है, हमें मतलब कि हमारा मुंह मत लगो। तो इन्हें धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया है। हाँ, नाम भी काट दिया गया, मतलब डिस्चार्ज से नाम काट दिया गया इनका। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गीता देवी है सर। आज हरदोई कलेक्ट्रेट परिसर में आशा कार्यकर्तियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि उन्हें जो है कोविड का 2 साल का एक इंसेंटिव दिया गया था, जो जिसकी धनराशि 12,000 रुपये है। उसके सापेक्ष 12,000 देने के सापेक्ष प्रत्येक कार्यकर्ती से जो है 4,000 रुपये BPM के द्वारा मांगा गया है, और इन लोगों ने लिखित रूप में और एफिडेविट पर इसको दिया है। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि जितने भी प्रोग्राम चलते हैं बिना BPM को पैसा दिए जो है कोई भी मतलब इनका भुगतान नहीं होता है, इनका उत्पीड़न किया जाता है आर्थिक रूप से। तो जब सारी प्रक्रिया को समझा गया और जाना गया, इस हेतु तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को हमने यहाँ पर बुलाया हुआ है। सर खुद इस प्रकरण का संज्ञान लिए हैं और मैंने सर से अपेक्षा की है, जिला प्रशासन की अपेक्षा है कि स्वयं इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए और कठोर विधि कार्रवाई करें। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हों उनके विरुद्ध जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई है आज ही प्रस्तावित हो, ताकि इनको त्वरित न्याय दिया जा सके और इनको लगे कि शासन प्रशासन इनके साथ है। क्या एक्शन लिया जा रहा है? अभी तो सारे एफिडेविट इनका संकलित किया जा रहा है, CMO साहब इसकी जांच करेंगे, जांचोपरांत जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध जिस प्रकार भी कार्रवाई है वो चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा लिया जाएगा, आवश्यकता पड़ने पर कराई जाएगी। थैंक यू।